सभी दर्शक बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार पासवान, मैं मनोचिकित्सक हूँ प्रयागराज से। आज हम लोग जिस मनोविकार के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो समाज में बहुतायत से पाया जाता है और लोग कभी कभी इसे मनोविकार के रूप में समझ नहीं पाते हैं और वो सोचते हैं कि ये कोई मनोविकार नहीं है बल्कि हमारे सामान्य जीवन का एक हिस्सा है। और इसलिए जो व्यक्ति इस मनोविकार से ग्रसित होते हैं उनको सही समय पर उचित चिकित्सीय परामर्श लेने के लिए भी लोग प्रेरित नहीं कर पाते हैं और ना ले जा पाते हैं, जिससे कभी कभी गंभीर परिणाम भी देखने को मिलते हैं। इस बीमारी को हम साइकेट्री की भाषा में या मनोचिकित्सा की भाषा में PTSD कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जैसा कि नाम से ही विदित है, ये एक तरीके का ऐसा मनोविकार है जिसमें जो मनोविकार है उसकी उत्पत्ति किसी बड़ी घटना से होती है, जो कि एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, जिसने जीवन में एक हादसे के रूप में कार्य किया हो और जीवन में एक अमूलचूल परिवर्तन ले आया हो। अमूमन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो बीमारी है वो किसी बड़ी दुर्घटना के बाद या किसी बहुत ही बड़े हमारी क्षति के बाद उत्पन्न होती है, जिसमें हम सीधी रूप में सम्मिलित होते हैं या शामिल होते हैं और उसमें कभी कभी हमारी जीवन पे भी खतरा होता है और हम किसी प्रकार से उस घटना से बचे होते हैं, तो ये बीमारी जो है हमको होती है। और इस बीमारी के लक्षणों की अगर बात करें तो इसको क्लासिफाई करने के लिए चार प्रमुख प्रकार के लक्षणों का वर्णन पुस्तकें करती हैं, जिसमें पहला जो लक्षण है वो इंट्रूजन का है। इंट्रूजन को अगर हम हिंदी भाषा में समझें तो वो एक प्रकार का ऐसा मानसिक परिवर्तन है जिसमें उस घटना के यादें या जो उस घटना की छवि है वो बार बार हमारे मन में अनावश्यक रूप से आती रहती है। सोते समय और जगते समय हमें बार बार उस घटना का फ्लैशबैक्स होता रहता है, इसको हम इंट्रूजन कहते हैं। दूसरा जो जो दूसरी प्रकार के लक्षण है उसको एवॉइडेंस कहते हैं। इसमें व्यक्ति हर चीज़ से और प्रमुखता जो है किसी भी प्रकार की चैलेंजिंग परिस्थिति को, खतरनाक परिस्थिति को करने से डरता है, क्योंकि उसके मन में जो पुरानी घटना है उसका जो इतना छाप रहता है, व्यक्ति उस छाप से निकलकर बाहर नहीं आ पाता है। इसके अलावा अगर तीसरे लक्षण की बात करें तो व्यक्ति के तीसरा लक्षण व्यक्ति के विचारों और भावनाओं में होने वाला नकारात्मक परिवर्तन है। कहने का मतलब जो व्यक्ति की सोच है और व्यक्ति की भावनाएं हैं वो नकारात्मक रूप से इस घटना के बाद प्रभावित हो जाती हैं। व्यक्ति अपने जीवन में पुरानी चीज़ों को लेकर के और आगे आने वाली चीज़ों को लेकर के एक नकारात्मक सोच डेवलप कर लेता है और साथ ही साथ ऐसा भी देखने को मिलता है कि वो नकारात्मक प्रकार की भावनाएं जैसे उदासी, घबराहट, बेचैनी, चिंता इत्यादि में प्रमुखता से सोचता है। अगर चौथे लक्षण की बात करें तो व्यक्ति के जो उत्तेजना है और व्यक्ति की जो चीज़ों पर रिएक्शन करने की प्रवृत्ति है वो भी क्षीण हो जाती है और परिवर्तित हो जाती है। तो ये प्रमुख प्रकार के लक्षण हैं जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के पेशेंट्स में पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो बीमारी है वो बीमारी किसी भी बड़ी घटना के बाद जिसमें व्यक्ति की जान बची हो बहुत सामान्यतया देखी जाती है। कभी कभी व्यक्ति में ये बीमारी किसी अन्य सिमिलर तरीके के मनोविकार का रूप ले लेती है, जिसमें प्रमुखता से हम पैथोलॉजिकल ग्राइफ कहते हैं, जिसमें परिवार के किसी प्रियजन की मृत्यु की घटना होती है, जिस दुर्घटना में हम भी सम्मिलित होते हैं, ऐसी घटना होती है, तो कई तरीके के मनोविकार साथ में जुड़ जाते हैं। अब यदि उपचार की बात करें तो उपचार के लिए हम दो प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। पहली विधि है फार्माकोथेरेपी और दूसरी विधि है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी या बिहेवियरल थेरेपी में हम व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन लाने की का प्रयास करते हैं और काउंसलिंग और दूसरे साइकोलॉजिकल युक्तियों का प्रयोग करके व्यक्ति में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। दूसरी जो विधि है वो है फार्माकोथेरेपी, जिसमें विभिन्न प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करके व्यक्ति के लक्षणों को दूर करने का प्रयास किया जाता है।
अगर उपचार की बात करें तो जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है उसका जो उपचार है वो बहुत ही कारगर है, और व्यक्ति को यदि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो तो स्वयं, या फिर अगर किसी को परिवारजन को या मित्रजन को ये प्रॉब्लम हो या समस्या हो तो उसको हमेशा चिकित्सा के लिए, उपचार के लिए प्रेरित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।